दोस्तों मैं प्रथम आपका रीटेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके कुलपैड नोट के लिए लाइट में मार्शमेलो डालूंगा, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में डालना दिखाया था कि आप कैसे अपने कुलपैड में मार्शमेलो डाल सकते हैं। और उसके बाद वहां पे आपको जो यूजर्स हैं उनको बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो आज की इस वीडियो में वो सारे इश्यूज सॉल्व करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं रीटेक्निकल। सो कम एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ से मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लॉलीपॉप स्टॉक लॉलीपॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं मार्शमेलो, तो वो सेम प्रोसीजर एच पी फ्लैश टूल का। सिर्फ आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो फर्मवेयर का फोल्डर था वो बस स्टॉक लॉलीपॉप का होगा, और आपको सेम प्रोसीजर में आपको स्टॉक 5.1 फ्लैश कर लेना है अपने फ़ोन में। और अगर उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे उसको फ्लैश करें। बस आपका जो है जहाँ आप अगर मार्शमेलो को सिलेक्ट करते थे वहाँ पे आपको लॉलीपॉप फर्मवेयर का सिलेक्ट करना है, और जो इसका लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है जब लॉलीपॉप, तो हमें सेकेंड क्या करना है, टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश करनी है। तो यहाँ से मैं टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश करता हूँ। टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश करने के लिए आपको एच पी फ्लैश टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं कूलपैड नोट 3 लाइट का जो टॉप रोम है लॉलीपॉप उसमें से निकाल लूंगा। तो मैं इसको यहाँ पहले डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है स्केटर फाइल और सेकेंड जो है टी डब्ल्यू आर पी हमारी रिकवरी। तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से अपना टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एच पी फ्लैश टूल स्टार्ट करना है, और आपको मैंने ड्राइवर इंस्टॉलेशन पहले ही बता दिया था, जो अपनी पिछली वीडियो है उसमें ही जी मार्शमेलो कैसे इंस्टॉल करें। तो आप वो वीडियो मेरे रेफर करूँगा कि आपको वो वीडियो पहले देख ले, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देख रखी, अदरवाइज आपने देख रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से बोलते हैं स्केटर लोडिंग। स्केटर लोडिंग के लिए आपको वापस डेस्कटॉप पे जाइए, जो मैंने आपको टी डब्ल्यू आर पी का फोल्डर दिया उसमें स्केटर फाइल होगी, ये मैं दे दूंगा आपको। स्केटर फाइल आपको लोड करनी है, यहाँ पे लोड करने के बाद आपको बस ये रिकवरी दिखाएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, उसके बाद आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके यहाँ पे कनेक्ट करना है। मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ अपना। कनेक्ट करने के बाद ये फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड डी ए सिलेक्ट हो गया, डाउनलोड फ्लैश, और इसने ग्रीन कलर का निशान दे दिया है कि मैंने यहाँ पर रिकवरी इंस्टॉल कर दी है। तो अब यहाँ से हम फ़ोन पे चलते हैं, तो चलिए फ़ोन पे चलते हैं। तो यहाँ से हम अपने कूलपैड के टी डब्ल्यू आर पी पे आ चुके हैं, तो हमको यहाँ से इसको स्लाइड करके पहले ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले जाना है वाइप पे जाइए। वाइप पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस वाइप पे। एडवांस वाइप पे जाके आपको जो पहले चार ऑप्शन है, डाटा, स्केची, सिस्टम और डेलविक, तो यहाँ से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा, तो आपको इन सबको वाइप कर देना है। वाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वाइप करने के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूँ इनको। तो यहाँ से वाइप हो चुका है, तो यहाँ से आप जाइए बैक जाइए, फिर से बैक जाइए, अब वापस से आगे इंस्टॉल पे जाइए। इंस्टॉल पे जाने के बाद आपको जो एस डी कार्ड में ही मैं आपको कुछ फाइल्स का लिंक दूंगा, जो कि पहला होगा कूल यू आई 8, और दूसरा होगा यहाँ पे एक्सपोज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कूल यू आई 8 फ्लैश कर देना है, जो कि ऑलरेडी रूटेड है तो आपको रूट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फ्लैशिंग स्टार्ट करता हूँ। अब ये यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं इंस्टॉलिंग सिस्टम, इट विल टेक, प्लीज़ बी पेशेंट, ये 4 से 5 मिनट लेगा। तो यहाँ से मैं वीडियो ये फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
अब आप यहाँ से देख ही सकते हैं ये आगे बढ़ चुका है, क्रिएटिंग सिस्टम लिंक्स, इंस्टॉलिंग लोगो, इंस्टॉलिंग कर्नल, अभी इंस्टॉलिंग, अभी शायद ये स्टॉक रिकवरी इंस्टॉल करेगा। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे होल्ड ऑन ऑलमोस्ट डन, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हुआ नहीं है अभी। हमारी वीडियो बहुत ही आगे चलने वाली है, इसमें मैं सारे इश्यूज सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्टॉक रिकवरी भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब अदर पार्टीशन माउंट कर रहे हैं, बस वो लास्ट में सिस्टम वो ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। अब जो रिकवरी है वो पूरा माउंट कर रही है सिस्टम को, तो अभी ये 20 से 25 सेकेंड लगाएगा थोड़ा और। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरा हो चुका है। अब आप यहाँ से दोबारा बैक पे जाइए, बैक पे जाने के बाद आपको एक्सपोज्ड वाली जिप फ्लैश करनी है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर से आप स्वाइप कीजिए और इसकी फ्लैशिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। अब इसकी फ्लैशिंग होने के बाद आपको वाइप डेल्विक कैसे करना है, जो कि हम हर फ्लैशिंग के बाद करते हैं, उसको करने के बाद रिबूट सिस्टम कर दीजिए। अब यहाँ पे ये बहुत थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ से अपना वीडियोस थोड़ा स्किप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ से पहले थोड़ी सी ब्राइटनेस गिराऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा वो हो जाएगा, यानी कि थोड़ा जो अंदर विजन है वो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस रोम का है रूट चेक दिखाता हूँ कि ये रूटेड है या नहीं है। तो यहाँ से मैं रूट चेक ऐप पे गया, अब ये ग्रांट आ गया। ग्रांट करने के बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं योर गूगल पैड नोट 3 लाइट इज़ रूटेड, तो ये मैंने यहाँ पर रूट कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप एक्सपोज की बात करें तो एक्सपोज में, यहाँ पे मैं एक्सपोज की बात करता हूँ, तो ये आपको दिखाएगा एक्सपोज फ्रेमवर्क वर्जन 85 इंस्टॉल्ड बट नॉट एक्टिव। तो आपको ये जो मटेरियल डिज़ाइन एक्सपोज इंस्टॉलर है, ये आपका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बस इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये कुछ एक्सपोज की फाइल से डाउनलोड करेगा, और वो भी बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगी, ज़्यादा एमबी की नहीं होगी। तो मैं यहाँ से थोड़ी वीडियो स्किप नहीं करता। अब ये यहाँ पे कुछ वार्निंग देगा कि बूट लूप हो सकता है, तो आप यहाँ से इसको बस ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद रूट परमिशन मांगेगा, रूट परमिशन दे दीजिए। ग्रांट करने के बाद ओके पे दोबारा से क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने का जो आपका डिवाइस है वो रीबूट हो जाएगा और वो रिकवरी मोड में जाएगा। तो रिकवरी मोड में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अपनी एक्सपोज की फाइलें कुछ करेगा, तो वो उसको यहाँ से आपने रन करा। रन करने के बाद ये रिकवरी मोड पे जाएगा। रिकवरी मोड पे जाने के बाद ये बस अपना रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जो आपकी एक्सपोज है वो वर्किंग फाइन हो जाएगी। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो स्किप नहीं करूँगा, यहाँ से कैसे बूटअप होता है देखिएगा कि ये बूटअप टाइम भी ज़्यादा लेता है। मार्शमेलो यूआई पे, जो कि मैंने रूटेड यूआई आपको नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको इजीली TWRP से फ्लैश कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में मैंने जल्दी जल्दी बताया है
और आपको फ्लैश करना नहीं आया TWRP से, और या वीडियो को यानी कि दर्शाने का थोड़ा टाइम यानी कि जो ब्राइटनेस है आपको दिखाई नहीं दिया, तो एक और वीडियो जो मैंने अपने चैनल में कुछ दिन पहले बनाई थी कि हाउ टू फ्लैश रोम इन TWRP, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ से हम चलते हैं एक्सपोज्ड पे, तो यहाँ से हम गए एक्सपोज्ड पे। एक्सपोज्ड पे जाने के बाद हमने क्लिक किया ओके पे, ओके पे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना था। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिजेबल रिसोर्स का जो ऑप्शन है उस पर टिक करके अपना फ़ोन एक बार रिबूट कर लेना था। रिबूट करने के बाद जो आपकी एक्सपोज मॉडल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा अभी 20 से 25 सेकंड में, तो उनका तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। अब देख सकते हैं अभी बूट हो चुका है, अभी 10 से 15 सेकंड में ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड स्टार्टिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। एंड्रॉयड स्टार्टिंग पे जाके यहाँ से मैंने अपना डिवाइस अनलॉक करा, एक्सपोज पे गया। आप देख सकते हैं एक्सपोज जो है यहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मैंने एक्सपोज को अनेबल करना भी आपको बता दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आता है सिम कार्ड इशू का। तो अपने यहाँ पे मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि एक और ऐप का नाम है, इसका नाम है चेमेले फन, उसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। चेमेले फन पे क्लिक करके ये वाला ऐप जो है इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने का तो ज़्यादा MB का तो है नहीं, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन करें, ओपन करने के बाद ये आपसे रूट परमिशन मांगेगा, यहाँ से ग्रांट कीजिए। और जो आपके IMEI है, जो आपके बिल पे IMEI नंबर लिखे हैं वो डाल के अप्लाई न्यू IMEI पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर दीजिए, और आपका जो सिम है, सिम कार्ड इशू है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप सीख गए होंगे कि कैसे अपने गुलबर्ड Note 3 Lite को मार्शमेलो को जो है 8 पे रूट करें, एक्सपोज वर्किंग फाइन करें यानी एक्सपोज को अनेबल करें, और साथ ही साथ सिम कार्ड इशू को भी ठीक करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से उसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने रीटेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर रोज़ाना टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।